आचार्य चाणक्य के जीवन की एक प्रारंभिक घटना से उनके चरित्र का बहुत सुंदर खुलासा होता है। एक बार वे अपने शिष्यों के साथ तक्षशिला से मगध की ओर आ रहे थे। मगध का राजा महानंद उनसे द्वेष रखता था। वह एक बार भरी सभा में चाणक्य का अपमान कर चुका था। तभी से उन्होंने संकल्प लिया था कि वे मगध के सम्राट महानंद को पद से नीचे उतार कर ही अपने शिखा में गांठ बांधेंगे। इसके लिए वे अपने सर्वाधिक प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त को तैयार कर रहे थे। मगध पहुंचने के लिए वे सीधे मार्ग से ना जाकर एक अन्य उबड़ खाबड़ मार्ग से अपना सफर तय कर रहे थे। उस मार्ग में कांटे बहुत थे। तभी उनके पैरों में एक कांटा चुभ गया। वे क्रोध से भर उठे। तत्काल उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, उखाड़ फेंको इन नागफनों को, एक भी शेष नहीं रहना चाहिए। उन्होंने तब उन कांटों को ही नहीं उखाड़ा, उन कांटों के वृक्षों की जड़ों में मही डाल दिया ताकि वे दोबारा न उग सके। इस प्रकार वे अपने शत्रु का समूल नाश करने पर ही विश्वास करते थे। वे दूसरों के बनाए गए मार्ग पर चलने में कभी भी विश्वास नहीं करते थे। वे अपने द्वारा बनाए गए मार्ग पर ही चलने में विश्वास करते थे। आशा करता हूँ इन अध्यायों को सुनने के बाद आप भी अपनी जिंदगी में अपने मार्ग खुद तैयार करें, अपने ऊपर विश्वास करें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रथम अध्याय में श्री चाणक्य श्री विष्णु भगवान को नमन करते हुए समझाते हैं कि राजनीति में कभी कभी कुछ कर्म ऐसे दिखाई पड़ते हैं जिन्हें देखकर सोचना पड़ता है कि यह उचित हुआ या अनुचित। परंतु जिस अनीतिकारी से भी जन कल्याण होता हो अथवा धर्म का पक्ष प्रबल होता हो तो उस अनैतिक कार्य को भी नीति सम्मत ही माना जाएगा। उदाहरण के रूप में महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर द्वारा अश्वत्थामा की मृत्यु का उद्घोष करना यद्यपि नीति विरुद्ध था, पर नीति कुशल योगीराज कृष्ण ने इसे उचित माना था, क्योंकि वे गुरु द्रोणाचार्य के विकट संहार से अपनी सेना को बचाना चाहते थे। आगे चाणक्य समझाते हैं कि मूर्ख छात्रों को पढ़ाने से, दुष्ट स्त्री के पालन पोषण से और दुखियों के साथ संबंध रखने से बुद्धिमान व्यक्ति भी दुखी होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि मूर्ख शिष्यों को कभी उचित उपदेश नहीं देना चाहिए। समझाने का तात्पर्य यह है कि पतित आचरण वाली स्त्री की संगति करना तथा दुखी मनुष्यों के साथ समागम करने से विद्वान तथा भले व्यक्ति को दुख ही उठाना पड़ता है। वास्तव में शिक्षा उसी इंसान को दी जानी चाहिए जो सुपात्र हो। जो व्यक्ति बताई गई बातों को ना समझे उसे परामर्श देने से कोई लाभ नहीं है। मूर्ख व्यक्ति को शिक्षा देकर अपना समय ही नष्ट किया जाता है। यदि बात दुखी व्यक्ति के साथ संबंध रखने की है तो दुखी व्यक्ति हर पल अपना ही रोना रोता रहता है। इससे विद्वान व्यक्ति की साधना और एकाग्रता भंग हो जाती है। आगे श्री चाणक्य हमें समझाते हैं कि दुष्ट स्त्री, छल करने वाला मित्र, पलटकर तीखा जवाब देने वाला नौकर तथा जिस घर में सांप रहता हो उस घर में निवास करने वाले गृह स्वामी की मौत में संशय न करे, वह निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होगा। घर में यदि दुष्ट और दुष्चरित्र वाली पत्नी हो तो उस पति का जीना न जीना बराबर ही है। वह अपमान और लज्जा के बोझ से एक तो वैसे ही मृतक के समान है, ऊपर से उसे सदैव यह भय भी बना रहेगा कि यह स्त्री अपने स्वार्थ के लिए कहीं उसे विष न दे दे। दूसरा, यदि उस गृह स्वामी का मित्र भी दगाबाज हो, धोखा देने वाला हो तो ऐसा मित्र आस्तीन का सांप होता है। वह कभी भी अपने स्वार्थ के लिए उस गृह स्वामी को ऐसी स्थिति में डाल सकता है जिससे उबरना उसकी सामर्थ्य से बाहर की बात होती है। तीसरा, घर में यदि नौकर बदजुबान हो, बात बात में झगड़ा करने वाला हो, पलटकर तीखा जवाब देने वाला हो तो समझ लेना चाहिए कि ऐसा नौकर निश्चित रूप से घर के भेद जानता है, और जो घर के भेद जान लेता है वह उसी तरह से घर बार का विनाश कर सकता है जैसे विभीषण ने घर में भेद करके रावण का विनाश करा दिया था। तभी मुहावरा भी बना, घर का भेदी लंका ढाए।